दोस्तों स्वागत है आप सबका पापा कंस्ट्रक्शन में। इस वीडियो में हम लोग गुवाहाटी एयरपोर्ट के एक्सपेंशन के बारे में जानेंगे। गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1,00,000 स्क्वायर मीटर से भी ज़्यादा बड़ा इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग बन रहा है और एक्सपेंशन कम्प्लीट होने के बाद ये एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट का बिजिएस्ट एयरपोर्ट के साथ साथ इंडिया के टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि कैसा होगा न्यू टर्मिनल बिल्डिंग, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी और कब तक बनकर यह तैयार होगा। तो दोस्तों ये है गुवाहाटी एयरपोर्ट। इसका ऑफिशियल नेम है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का प्राइमरी एयरपोर्ट है। वैसे भी गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का लार्जेस्ट सिटी है और गुवाहाटी एयरपोर्ट भी नॉर्थ ईस्ट रीजन का लार्जेस्ट और वर्तमान में इंडिया का 11th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। लोकेशन की बात करें तो ये एयरपोर्ट गुवाहाटी से लगभग 28 किलोमीटर जबकि असम की कैपिटल सिटी दिसपुर से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एयरपोर्ट 1958 में स्टार्ट हुआ था, तब से इस एयरपोर्ट को AAI यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑपरेट करती थी, लेकिन फरवरी 2019 में इस एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन किया गया। अब इस एयरपोर्ट को ऑपरेट कर रहा है अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप को 50 ईयर्स तक ऑपरेट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, यानी कि इस एयरपोर्ट का ऑनर है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जबकि इसका ऑपरेटर है अडानी एयरपोर्ट्स लिमिटेड। दोस्तों अडानी एयरपोर्ट्स गुवाहाटी के अलावा और भी कई सारे एयरपोर्ट्स जैसे कि अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, मैंगलोर और तिरुवनंतपुर जैसे एयरपोर्ट को भी ऑपरेट कर रही है 2019 से ही। अडानी ग्रुप से पहले भी प्राइवेट कंपनीज के द्वारा कई सारे एयरपोर्ट को ऑपरेट किया जा रहा है, जैसे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को GMR ग्रुप ऑपरेट करती है। वैसे ही मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को GVK ग्रुप ऑपरेट करता है और जेवर एयरपोर्ट को तो स्विट्जरलैंड बेस्ड ज्यूरिक एयरपोर्ट लिमिटेड ऑपरेट करेगी। तो आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट कंपनी यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बेहतर ढंग से एयरपोर्ट को मैनेज करती है या फिर प्राइवेट कंपनीज को ही कॉन्ट्रैक्ट दे देना चाहिए एयरपोर्ट को ऑपरेट करने के लिए? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। तो चलिए अब बात करते हैं गुवाहाटी एयरपोर्ट की। गुवाहाटी एयरपोर्ट में एग्जिस्टिंग टर्मिनल बिल्डिंग की मैक्सिमम हैंडलिंग कैपेसिटी 850 पैसेंजर पर आवर की है, लेकिन इस एयरपोर्ट पर पैसेंजर का लोड लगातार बढ़ता जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जा रहा है। न्यू टर्मिनल बिल्डिंग का एस्टिमेटेड बजट है 1,232 करोड़ रुपये। 2019 में ही इस टर्मिनल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। कंस्ट्रक्शन अभी फुल स्पीड में हो रहा है, हालांकि कोविड के कारण कुछ इसमें डिस्टर्बेंस हुआ था। अभी तक लगभग 50% वर्क कंप्लीट हो गया है और उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर यानी कि जून 2022 में न्यू टर्मिनल बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। जहां एग्जिस्टिंग टर्मिनल बिल्डिंग की कैपेसिटी 850 पैसेंजर पर आवर हैंडल करने की थी, वहीं पर न्यू टर्मिनल बिल्डिंग की कैपेसिटी 4500 पैसेंजर पर आवर हैंडल करने की हो जाएगी, यानी कि 4300 डोमेस्टिक पैसेंजर और 200 इंटरनेशनल पैसेंजर पर आवर। वहीं अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो न्यू टर्मिनल बिल्डिंग में 64 चेक इन काउंटर्स, 20 सेल्फ चेक इन कियोस्क, 10 एरो ब्रिज, 20 पैसेंजर एलिवेटर और 2400 पैसेंजर के लिए सिटिंग कैपेसिटी यानी कि वेटिंग रूम की फैसिलिटी उपलब्ध होगा। टर्मिनल बिल्डिंग में 2 लेवल होगा, अराइवल होगा लोअर लेवल से जबकि डिपार्चर होगा अपर लेवल से। टर्मिनल बिल्डिंग का डिजाइन यूनिक है, ये एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग होगा। दोस्तों वैसे तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। गुवाहाटी एयरपोर्ट के अलावा इम्फाल एयरपोर्ट और अगरतला एयरपोर्ट भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट किसी भी एयरपोर्ट से ऑपरेट नहीं होता है। सबसे पहले 2002 में ही गुवाहाटी एयरपोर्ट से बैंकॉक के लिए एयर इंडिया के द्वारा इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट किया गया था, लेकिन प्रॉपर फैसिलिटी की कमी और पैसेंजर नहीं मिलने के कारण इसे बाद में बंद कर दिया गया था। फिर से 2019 में उड़ान स्कीम में गुवाहाटी से 2 इंटरनेशनल रूट को सेलेक्ट किया गया है, गुवाहाटी से ढाका और गुवाहाटी से बैंकॉक। तो न्यू टर्मिनल बिल्डिंग के बनने से उम्मीद है कि नॉर्थ ईस्ट में भी इंटरनेशनल फ्लाइट की संख्या बढ़ेगी। अगर आप किसी दूसरे एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का अपडेट जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। ऑलरेडी काफ़ी सारे एयरपोर्ट से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक कर लीजिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।